ये तो खैर आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की डेट में अमेरिका के दौरे पर हैं, और आज सुबह जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बायलेटरल और क्वाड मीटिंग अटेंड करके न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहां पर वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित यानी वहां पर स्पीच देने वाले हैं। पीएम मोदी की यूएन जनरल असेंबली की स्पीच का भी दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका से एक और खबर निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक जो पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के पहले 40 घंटे थे जो उन्होंने वाशिंगटन में बिताए थे, उसमें पीएम मोदी ने भारत को तकरीबन $40 बिलियन का फायदा करवा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन में कुल 5 कंपनीज के सीईओ से मिलने की परमिशन थी, जिनके हेड से मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको भारत में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में अवगत करवाया, भारत में निवेश के लिए इनवाइट यानी आमंत्रित किया, और जो पिछले कुछ सालों में भारतीय सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं वो बताने के साथ उनसे भी जाना कि उन कंपनीज को भारत में किस तरह का बिजनेस इन्वायरमेंट चाहिए। पांचों कंपनीज में एक थी अडोब कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है, दूसरी थी क्वालकॉम जो कि सेमीकंडक्टर और 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर है। हाल ही में सेमीकंडक्टर चिप्स की दुनिया भर में कितनी किल्लत चल रही है वो तो खैर आपको पता ही होगा। तीसरी सोलर एनर्जी कंपनी फर्स्ट सोलर थी। चौथी कंपनी एनर्जी सिस्टम्स एंड आर्म मैन्युफैक्चरर जनरल एटॉमिक्स थी, जबकि पांचवी कंपनी जिसके सीईओ से पीएम नरेंद्र मोदी मिले वो थी ब्लैकस्टोन, जो कि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। पांचों कंपनीज के सीईओ के साथ मीटिंग्स को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने परंपरागत तरीके से सबके साथ एक साथ मीटिंग ना करके वन बाय वन फेस टू फेस मीटिंग की, जिसका पहला फायदा भारत को मिल भी चुका है। वैसे तो पांचों कंपनीज के चेयरमैन और सीईओ जो पीएम मोदी से मिले सबने ही बाहर आने के बाद मोदी जी और मोदी सरकार की काफी तारीफें की और रिफॉर्म ओरिएंटेड और फ्रेंडली गवर्नमेंट बताया। लेकिन जो पांच कंपनीज मैंने आपको बताई, इनमें से एक ब्लैकस्टोन नाम की जो पांचवी कंपनी है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करती है, उसके सीईओ और को फाउंडर स्टीफन वो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। स्टीफन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद बाहर आकर एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी, जिसने दिखा दिया है कि आज की डेट में भारत का क्या पोटेंशियल है और किस तरह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में बैठकर भी भारतीय प्रधानमंत्री यूएसए के नाक के नीचे से कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भारत ला सकते हैं। दरअसल ब्लैकस्टोन इन्वेस्टमेंट फर्म के सीईओ स्टीफन ने मोदी जी के साथ मीटिंग से बाहर निकलने के बाद ही एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया था। स्टीफन ने मीडिया को बताया कि पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी रही। उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म भारत में आज तक कुल $60 बिलियन यानी $60 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, जिसको वो आगे लेकर अगले 5 सालों में $40 बिलियन यानी $40 बिलियन भारत में और इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी ब्लैकस्टोन कंपनी भारत में अपनी मौजूदा इन्वेस्टमेंट को $60 बिलियन से सीधा $100 बिलियन तक ले जाएगी, वो भी मात्र अगले 5 सालों में। वैसे 5 सालों में $40 बिलियन वाकई में बहुत ही बड़ी रकम है। भारतीय करेंसी में ये रकम बनती है करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास। ये कितना बड़ा अमाउंट है इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी इनिशियल कॉस्ट ही 47 यानी $47 बिलियन थी, जो कि आज की डेट में बढ़कर $60 बिलियन तक पहुंच गई है। भारत $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक अकेली कंपनी से ही ले आया, बाकी टोटल इन्वेस्टमेंट को तो आप छोड़ ही दो। खैर वैसे $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस।